बड़ी खबर आपको बता दें, बेतिया में पुलिस ने सुबह के वक्त बड़ी छापेमारी की है। बेतिया के गरभुआ गांव में पुलिस प्रशासन और मद्य निषेध विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। गरभुआ गांव, जो पहले शराब के तालाब के नाम से जाना जाता था, पहले यहां हर घर में शराब बनाई जाती थी। खेतों में, खलिहानों में अवैध देसी चुलाई शराब बनाई जाती थी। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर गरभुआ गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ साथ मद्य निषेध विभाग के पुलिसकर्मियों ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। गरभुआ गांव के प्रत्येक घरों में, खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इस छापेमारी में कहीं भी शराब की बरामदगी नहीं हो सकी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से शराब बनाने वालों के साथ साथ शराब तस्करों में दहशत का माहौल है। वहीं छापेमारी में अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर विनोद कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर परिमल मुकुल पांडे, अधीक्षक मद्य निषेध मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एक शराब तस्कर का इनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की तस्करी करता था। उसके पहले भी गरभुआ गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी का परिणाम है कि शराब बनाने वालों से लेकर शराब तस्करों में पुलिस प्रशासन का खौफ कायम है। हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे पहले भी हम लोग यहाँ पे रेड करते रहे हैं, और फिर से हम लोग का एक अभियान था अपने एसपी सर के डायरेक्शन में। हम लोग एसडीपीओ साहब, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, सभी एएलटीएफ की टीम, सभी हम लोग रेड 4 बजे से ही कर रहे हैं। ड्रोन से भी हम लोग रेड कर रहे थे, निशानदेही कर रहे थे, और हम लोग का लगातार रेड करने का ही यह परिणाम है कि यहाँ पे एक भी लीटर अवैध शराब की बरामदगी नहीं हो पाई है। हम लोग कर रहे हैं छापेमारी, आज संयुक्त छापेमारी हो रही है। हम लोग लगातार संयुक्त छापेमारी करते रहे हैं, आज भी हो रही है। और लेकिन आज एक सुखद आश्चर्य है कि 2 घंटे के छापेमारी के बावजूद 1 लीटर भी शराब बरामद नहीं हुई है। तो ऐसा माना जा सकता है कि लगातार छापेमारी से शराब कारोबारी अपना कारोबार यहाँ बंद कर चुके हैं, या गरभुआ के लिए भी अच्छा है, यहाँ लोग अब दूसरे काम धंधे में लग गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ ग्रामीणों ने ऐसा बताया भी, वो लोग कुछ दूसरे धंधा कर रहे हैं। हाँ, गरभुआ गांव में छापेमारी की जा रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध शराब का निर्माण किया जाता था, चुलाई शराब का, और पिछले 1 साल से हम लोगों ने इसे टारगेट करके और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। और उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 4-5 महीना पहले 3-4 घरों को भी सील किया था। शायद उसी का परिणाम है कि खौफ है, और आज 3 घंटे के ऑपरेशन में 4 बजे सुबह से हम लोग चला रहे हैं, कहीं कोई शराब की बरामदगी नहीं है। और न केवल गरभुआ, इसके अलावा भी जितने धांगर टोली हैं, मूसर टोली हैं, पासी टोली हैं, जो अवैध शराब का निर्माण करते थे, वो अब कहीं कहीं लुक छिप करके खेतों वगैरह में कर रहे हैं। बाकी यहाँ काम लगभग कंट्रोल है। सर, इसके पहले शराब के तालाब के नाम से जाना जाता था गरभुआ गांव। हाँ, तालाब के नाम से जाना जाता था। आप लोगों ने भी, मीडिया के लोगों ने भी देखा है कितनी शराब यहाँ चुलाई की जाती थी। ये सिर्फ प्रशासन का, पुलिस का, एक्साइज का दबिश का परिणाम है कि आज यहाँ लगभग काम बंद हो चुका।